हेलो गाइस, अगर आप सभी लोग भी टॉप 10 बेस्ट गेम देख रहे हो अंडर 100 MB तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। तो आज मैं बताने वाला हूँ आप सभी को टॉप 10 बेस्ट गेम्स अंडर 100 MB। और हमारा टॉप 10 पे आता है कैंडी क्रश सागा, जो कि आपने भी खेल ही रखा होगा, लेकिन ये एक ऑफलाइन गेम है और ऑनलाइन वैसे आप खेल सकते हो लेकिन दोस्तों वगैरह के साथ नहीं। और 1 बिलियन+ इसके डाउनलोड है, तो मैं इसको आपको इसका गेम प्ले दिखा रहा हूँ एक बार। तो मैंने ये गेम स्टार्ट कर दिया, मैं सिर्फ इसकी एक बार ही खेल के दिखाऊंगा आपको। तो ये लोड हो रहा है इतने, अब मैं प्ले कर रहा हूँ। ये मैं अपने अगले गेम की तरफ, जो कि है बाइक रेस। और अब मैं दिखा देता हूँ आप बाइक रेस मोटरसाइकिल वाला, जैसे कि आप ये देख सकते हो बाइक रेस मोटरसाइकिल गेम्स। और ये एक बढ़िया गेम है, ऑफलाइन गेम है, आप मल्टीप्लेयर में भी खेल सकते हो। तो पिछली बार मैं चला के देख रहा था, मल्टीप्लेयर में तो चला नहीं था उस वीडियो में, तो फिर हम सीधा नॉर्मल खेलने जा रहे हैं। तो अभी प्ले कर रहा हूँ मैं इसकी, सिर्फ एक बार ही चलाऊंगा गाइस। तो फिर हम खेलते सिंगल प्लेयर पे जाके। आर्टिक में मैंने कर दिए थे पिछले ही वीडियो में, जो मैंने बनाई थी लेकिन डिलीट होगी। तो फिर अभी मैं करता हूँ यहाँ पे ये स्टार्ट। आप जैसा कि देख सकते हो गाइस, बढ़िया गेम है ये। लेवल पार करने के बाद ही मिलता है। और अगर आपको वो करना है स्किप गेम प्ले तो आप कर सकते हो, जैसा कि आप सभी को मैंने पहले भी बोला है, इसलिए डाई 50 times। ये मेरी बेइज्जती मार रहे क्या गेम वाले, मुझे तो ऐसा ही लग रहा, पता नहीं क्यों। ये कोई अचीवमेंट होती है यार, आप बताओ गाइस। तो फिर ये हो चुका, आपने देख लिया होगा इसका गेम प्ले। इसमें बहुत सारी बाइक भी है लेकिन आपको वो लेवल क्लियर करने पे मिलेंगी दूसरी बाइक है। तो फिर अब चलते हम अपने अगले गेम की तरफ। और अब अपना अगला गेम है ब्रेनी टोन, जो कि मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में भी बता दिया था। तो ब्रेनी टोन देखो, आप सभी को भी पता है ये एक ऑफलाइन गेम है, फिजिक्स गेम है, इसके लिए दिमाग की ज़रूरत है, जो कि मेरे में तो है ही ना गाइस, मतलब। तो फिर सीधा इसका गेम प्ले स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते इसलिए, नहीं तो फिर ज़्यादा चौड़ी लंबी जैसे भी आप बोलना चाहते हो वैसी वीडियो बन जाएगी। तो फिर अभी चलते हैं, ये गेम बना और बिटल 9 में, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, वैसे तो मुझे भी नहीं पता था, अभी मैंने यहाँ पे देख के बनाया, इसलिए कौन ही देखता है किसने बनाया। तो हम सीधा लेवल 14 पे चलते हैं। मैकन ऑब्जेक्ट रेड एरिया ईजी है भाई, चलो एक बार रीस्टार्ट करते हैं, इजी सा है ये तो, जैसा कि हम सबको ही पता है। अबे यार गाइस, थोड़ा सा होगी दिक्कत। तो फिर उसके लिए हमें पता ही क्या करना है, कि एक हम सीसो बना देंगे, तो उसके लिए 3 लगेंगे। और यहाँ पे बोला गया कि ये 2 नीचे, तो हो चुका है ये तो इजी, और भी इजी है गाइस। इसमें आपको ये करके दिखाता हूँ एक बार, सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट्स में पीछे वाले लेवल पे ही चलते हैं वापस से, 2 ऑब्जेक्ट में। ये मैंने इस टाइम पे ध्यान नहीं दिया इतना कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये जैसा कि आप देख रहे हो ऐसे में हो गया ये गाइस। तो ये 2 ऑब्जेक्ट में भी कर सकते थे हम, तो इसकी मैं एक सीरीज भी बनाऊंगा। अगर आप सभी को चाहिए तो ज़रूर से बता रहे हैं। तो फिर हम अब अपने अगले गेम की तरफ चलते हैं, जो कि है बिल्ड अ ब्रिज। तो फिर अभी मैं इसे सर्च करके आपको दिखा देता हूँ ये कैसा गेम है, और फिर इसका सीधा गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। बिल्ड अ ब्रिज एक ऑफलाइन गेम है, और ये आपने इतना कुछ खास देखा नहीं होगा किसी को खेलते हुए, इसलिए इतना कुछ वो नहीं है पॉपुलर, लेकिन ये बिल्कुल डिट्टो कॉपी है पॉली ब्रिज की। और अगर आप देख रहे हो पॉली ब्रिज की कॉपी, तो आपके लिए बेस्ट है। या तो फिर प्ले करते हैं अभी उसे, और अपने पीछे ज़रूर देखना गाइस क्या रखा है। ये अब लोड हो चुका है गाइस। तो फिर अब हम आगे की तरफ इसका एक लेवल खेल के आप सभी को दिखा देता हूँ। ये मैंने पिछली वीडियो में करे थे बार, जो कि मैं नहीं डिलीट होगी थी कोई टेक्निकल इशू की वजह से। तो फिर अभी यार यहाँ पे क्यों दे रहे हैं ये, नहीं देखना मुझे, जब मैं खुद बना सकता हूँ।
यार सही में एक बार सही बताना गाइस, आपको भी गुस्सा उठता ना जब आपको कोई चीज आती हो लेकिन कोई आपको बोल रहा हो कि मैं देख ऐसे करना है ऐसे करना है, तो फिर इसके हम दो खेल लेंगे लेवल, इसलिए ये यहाँ पे समझ दिखा रहे हैं यार। ये एक तो गेम इतना ग्लिची टाइप है, तो यहाँ पे हमारा बजट है 2000 कुछ का, तो फिर 2000 कुछ में तो बना ही देंगे इसे। अबे यार क्या गेम है ये, आप भी बताना भाई। देखो उंगली का मैंने इतनी दूर रख रखी है और ये और ही कुछ कर रहा है भाई, गेम ही नशे मार रखा है इस गेम ने गाइस। तो फिर भी करते आगे, यहाँ पे हो चुका है इतना गाइस, तो फिर अभी यहाँ पे कोई इशू ना आए तो उसके लिए मैं यहाँ पे लगाए देता हूँ जंपिंग के लिए, तो इसलिए टूट गया। चलो अब आगे करा के देख लेते हैं ये काम करेगा, अभी तक तो काम कर रहेगा। ये मेरी सस्ती एक्टिंग, लेकिन ये नीचे जा चुका है, तो फिर एक बार रिट्राई करते हैं इसका पूरा आ करके ही ख़त्म करेंगे ना गाइस। तो फिर इसे एक बार पीछे से थोड़ा बहुत रोड लगा ही देते हैं एक बार, वैसे इस रोड का कुछ फ़ायदा नहीं है यहाँ से, जब भी टूट गया इसका आते ये बात तो मुझे ओ भाई गाइस क्या गुजर था ना। तो फिर हमारा ये हो चुका है इसका गेम प्ले, तो फिर अब हम सीधा अगले गेम की तरफ बढ़े, और हमारा अगला गेम है रिप्टाइड GP2। ये भी इतना कुछ खास पॉपुलर गेम नहीं, लेकिन ये मुझे पर्सनल बहुत बढ़िया लगा गाइस गेम, मैं आपको खेल के दिखाता हूँ। ये वो है ऑफलाइन गेम है, सिंगल प्लेयर है, कंपेटिटिव प्लेयर भी है, लेकिन कंपेटिटिव प्लेयर में एक दिक्कत है, दो फोनों को आपको केबल से जोड़ेगा, जब जाके आप इसमें कंपेटिटिव मतलब मल्टीप्लेयर वगैरह जो भी आप बोलना चाहते हो वो गेम खेल सकते हो। तो फिर अब मैं इसे करके देखता हूँ, रखता हूँ स्टार्ट, और हम करियर में चलाते हैं बिगिनियर्स लक में, तो फिर सस्पेंडेड वाले में खेलते हैं। ये लोड हो चुका है गाइस, ये देखो गाइस बस इसके ग्राफिक्स देखो आप, क्या गदर है, पानी के ग्राफिक्स वगैरह सब कुछ गदर है ना गाइस बताना। और ये सब कुछ आपको सिर्फ 100 MB के नीचे मिल रहा है, सोचो कैसे प्रोवाइड किया जाएगा ये। और इसमें बहुत सारी चीज़ें है गाइस, आपको वो ब्रिज वाला गेम 100 MB के अंदर आपको, तो देखो ना गाइस कितने डेंजर गेम है, 100 MB के नीचे। और ऐसे ही गेम जो भी है लोग सब वो कितने मिलेंगे आपको, तो बहुत ज़्यादा अब आपका इंटरनेट लगता है उनमें, जैसे कि 1 GB होगा, 2 GB होगा, 500 GB, 300 GB ऐसे। अभी मैं बोलते बोलते इतना भी चुका हूँ कि मैं अब ज़्यादा लंबी बन जाएगी वीडियो। अबे भाई कैसे टूट जाएगा यार मेरे, तो फिर चलो और एक लैप हो चुका, तो अब हम अपने अगले गेम की ओर बढ़ते हैं। और अब हम आ चुके हैं टॉप 5 में, और टॉप 5 में हमारा 5th गेम है, आप देख ही लो कौन सा है। वैसे तो ये मैं बता ही देता हूँ, मिनी मलेशिया है गेम, और ये गदर गेम है पता नहीं, लेकिन अभी ये रिकॉर्डिंग के साथ मेरा चल ही नहीं पा रहा गेम। ये वैसे मुझे भी बहुत बढ़िया लगता है, और ये 2D गेम है, और इसमें बहुत सारी गन, आपको जो करना है वो कर सकते हो, यहाँ पर आप इसके रिव्यू भी देख सकते हो। और इसमें रिव्यू वैसे तो इतने अच्छे नहीं कर रखे यहाँ पे अभी, लेकिन मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन इसमें एक बुरी बात है गाइस कि इसमें ज़्यादा हैकिंग वगैरह चलती है, तो फिर अब बिना देरी के चलते सीधा 4th गेम पे, जो कि एंग्री बर्ड फ्रेंड्स ANGRY एंग्री बर्ड्स फ्रेंड वाले गेम पे, ए फ्रेंड वाला यहाँ पे हमें लिखना ही पड़ेगा गाइस।
ये आ चुका है हमारा एंग्री बर्ड फ्रेंड्स, ये आपको 100 MB के अंदर अंदर मिलेगा और ऑफलाइन गेम है ये, ऊपर से फिजिक्स सिंगल प्लेयर स्टाइल सब कुछ है ये। और अब हम इसके गेम प्ले पे चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, तो अब हम गेम प्ले पे आ चुके हैं गाइस। अभी ये लोड हो रहा है, लोड होने में थोड़ी बहुत देर लगेगी, तो देखते हैं लोड कितनी देर में होएगा ये। नहीं तो अभी ये लोड हो रहा है ये वहाँ पे, एक बार मैं इसको इंटरनेट एक्सेस दे के आ रहा हूँ गाइस, आ चुका हूँ गाइस। तो फिर वो इंटरनेट एक्सेस दे रखी थी, तो ये बिना इंटरनेट के नहीं चलेगा गेम। मैंने गलती से जब बोल दिया था कि ये ऑफलाइन भी चलता है, लेकिन ये ऑफलाइन नहीं चलता गाइस इस। तो फिर मैंने इसके 2 या 3 लेवल पार कर दिए, तो फिर हम सीधा अगले लेवल पर चलते हैं। मुझे इसका ये सब कुछ पता नहीं क्यों ज़्यादा बढ़िया लग रहा है गाइस, जैसे कि इसके साउंड इफेक्ट हो गए, A to Z का सब कुछ बढ़िया लग रहा है मुझे। हम 6th लेवल पे आ चुके हैं गाइस, ये इतना गदर गेम लगा मुझे, पता नहीं क्यों बहुत बढ़िया गेम लगा। और इसमें ना तो इतने कुछ ज़्यादा चीज़ें फिर भी, और इसके साउंड इफेक्ट भी मुझे बहुत बढ़िया लगे। तो ये 1 लेवल हो ही चुका है कम्प्लीट, तो फिर अब 2 लेवल कर लेते हैं इसके, इसलिए नहीं तो ये गेम प्ले बिल्कुल छोटा हो जाएगा, वैसे तो छोटा ही बढ़िया। तो फिर अब चलते हैं अगले गेम की ओर, और अगला गेम है हमारा हंटर सेशन। ये मुझे बहुत पसंद था गाइस बचपन में, मैं इसके बिल्कुल लास्ट लेवल पे भी पहुंच गया था एक बार तो, और या फिर लास्ट पे नहीं पहुंचा था ठीक से याद नहीं है, लेकिन ये ऑफलाइन गेम है ये वाला, तो है वो वाला मैंने गलती से ये बोल दिया था। और ये टॉप 2 पे फ्री एक्शन में गाइस, और ये सिंगल प्लेयर है, मल्टीप्लेयर नहीं है। कि आप सोचो ये मल्टीप्लेयर है तो मैं इसे नहीं देता इंटरनेट के एक्सेस, नहीं तो फिर इसमें ऐड वगैरह आएंगी गाइस। तो फिर ये रूबी गेम्स ने गेम बनाया, तो फिर अब चलते हैं इसकी लोड होने देते एक बार लोड ही से। ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है ज़्यादा गाइस, पता नहीं क्यों। हाँ ये हो चुका लोड, तो अब स्टार्ट करते सीधा गेम को। ये बोनस लेवल आ चुका है सभी के लिए गाइस, ये भी सोच रहा आपका टाइम चाहिए इसलिए आपने खेल ही रखा हुआ है, ये भी इनको बोनस लेवल दे दिया जो कि जो भी ख़त्म हो जाता है। और इसका वैसे एक और लेवल खेल के दिखाई देता हूँ आप सभी को गाइस, इसलिए नहीं तो गेम प्ले बिल्कुल ही छोटा सा बन जाएगा ये, तो फिर मज़ा नहीं आएगा गेम प्ले देखने में। तो फिर अब मैं आप सभी को दिखाता हूँ, ये मैंने एक का मर्डर कर दिया, आप 2 बंदे आ रहे भागे, मैंने एक और का कर दिया और ये वापस आ रहा है, एक और इसका भी कर दिया और अब यहाँ से एक और आ रहा है। वैसे इसमें छुप छुप के मारने में मज़ा अलग ही आता है, इसने मेरे वैसे एक गन शॉट बता दिया था। तो फिर यहाँ पे हो चुका है कम्प्लीट, ये गेम इजी है, इसमें बहुत सारे लेवल है, आपको जो करना वो करें। और तो फिर अब हम इसी के साथ चलते हैं हमारे टॉप 3 की लिस्ट पर। और अब हमारा टॉप 3 गेम है असफल्ट नाइट्रो। असफल्ट नाइट्रो तो आप सभी को पता ही है, टॉप 3 नहीं गाइस, गलती से मैंने टॉप 3 बोल दिया, टॉप 2 पे असफल्ट नाइट्रो, यही था 3rd इंटरसेशन। तो फिर अब हम असफल्ट नाइट्रो की तरफ बढ़ते हैं। असफल्ट नाइट्रो मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है गाइस, आप भी बताना कैसा लगा, आप ज़रूर से ज़रूर खेलना। यहाँ पे मैंने दे रखा है मेरी मम्मी का नाम, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। और ये गेम सिर्फ under 50 MB है गाइस, जैसे कि अब ये वीडियो है 100 MB के अंदर की, लेकिन 50 MB के अंदर है गेम। ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, आपको जैसे खेलना है वैसे खेलो। तो अभी मैं आपको खेल के दिखाता हूँ गाइस, इसका गेम प्ले दिखाते हैं। तो इसे तो अलाउ ही कर देते हैं इंटरनेट एक्सेस के लिए, इसलिए मैं सीधा आपको एक बार मल्टीप्लेयर खेल के दिखा दूंगा। अगर 2 लैब का हुआ तो 1 लैब खेल के हम छोड़ देंगे इसे गाइस। तो फिर चलो चलते अभी, पुश नोटिफिकेशन आई डोंट वांट नो थैंक्स। चलो हम क्लेम कर लेते हैं 100 क्रेडिट, वैसे भी जरूरत क्या है डी, तो नहीं है अब गेम वापस ऑनलाइन स्किप है भाई, हमें ट्यूटोरियल की ज़रूरत ही नहीं है, ट्यूटोरियल की तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन मतलब पहले सुनता था ना भाई, इसमें मेरे पास एस क्लास हर एक क्लास की कॉपी, आप इसमें एक बार ये देखो कार देखो, आप कार जनरेट करने में भी देर लगती है, एक बार कार को जनरेट होने देखो आप। अबे यार क्या ये देखो आप, मैं कार देखो भाई, एक बार क्या कार ग्राफिक्स वैसे भी मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, ये 32,000 की। अबे अच्छा अच्छा अभी निकाल रहा,
तो मिक्सी लॉन्चर है वो ये 14,000 की आती है जैसे कि मुझे पता ही था। तो फिर अब हम इसका एक लेवल खेलते, मैं आप सभी को दिखा देता हूँ कि आगे उधर गेम है ये। इसमें अलग अलग कंट्रोल्स भी है, जैसा कि इसका नाम है नाइट फॉल नाइट्रो, वैसे इसमें नाइट्रो आप यूज़ कर सकते हो। इसमें जो फील आती है खेलने की गजब ही लेवल की है, तो आप भी ज़रूर से ट्राई करना गाइस। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये खेल के गाइस कि गेम कैसा है। ये लोड हो रहा है, अभी लोड होने देते इसे एक बार गाइस। हो जा भाई, 32% हुआ अभी तक तो। ये लोड होने के बाद मिलता हूँ आप सभी से गाइस में। ये लोड हो चुका है गाइस, मैं मुझे वेट करवाने की जरूरत नहीं पड़ी, बोल दी हो चुका और ये जब लोड। तो फिर अब आप इसकी साउंड देखो एक बार गाइस, एक बार मैं इसकी साउंड कम कर देता हूँ, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग में मेरी कम आवाज़ आएगी। तो आप देखो देखो इसके ग्राफिक्स, ये मैं कैमरा एंगल एक्शन पे रखता हूँ, एक्शन वाला कैमरा एंगल मुझे बहुत बढ़िया लगता है गाइस। जैसे कि आप देख सकते हो परफेक्ट नाइट्रो, मैंने बहुत खेला तो मुझे आता है ये गाइस गेम। तो ये बहुत गदर गेम है गाइस, आपको भी ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। इसलिए ये हमारी लिस्ट में टॉप 2 पे, टॉप 1 पे। तो मैं आप सभी को अभी दिखाऊंगा गाइस गेम जो है वो मैंने बचपन से खेला और इतना गदर लगता है ना यार गाइस मुझे। और अगर आपको लगता है कि ये लिस्ट थोड़ी बहुत गलत है, तो आप भी ज़रूर से कमेंट में बताना कि अगर आपको कोई गेम ऊपर नीचे करना है तो मैं भी देखूँगा कि आप कैसी लिस्ट बनाओगे इनकी, कौन सा टॉप 1 पे रखो, कौन सा टॉप 10 पे। तो फिर अभी हम आगे चल के देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं तो नंबर 1 पे इस टाइम पे, इसलिए मुझे याद आइएगा इस गदर गेम, हम भी गदर गेम भी गदर। अभी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कोई बेइज्जती नहीं आ रही यार गाइस। चलो फिर अभी ये बारी जल्दी से ख़त्म करते हैं और फिर हम अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं। और अगला गेम होगा आप सभी को बताइए टॉप 1 पे कौन सा होगा, वैसे क्या ही पता होगा, वो भी इतना कुछ खास पॉपुलर नहीं है, लेकिन रिप्टाइड GP2 से तो ज़्यादा ही पॉपुलर है। तो फिर ये हमारा गेम हो चुका फिनिश। तो फिर अब हम चलते हैं अगले गेम की तरफ, और हमारा अगला गेम सीधा सर्च ही कर देता हूँ मैं, आप ज़रूर देखना गाइस कौन सा हमारा अगला गेम गदर गेम है बिल्कुल गाइस। ये मैंने बचपन से खेल, ये इसको मैंने 2 बार कंप्लीट तक कर दिया लेकिन पेट नहीं भरा गाइस अब तक, इतना डेंजर गेम है। और ये गेम है निंजा सिटू, ये 16+ पता नहीं क्यों रेटेड है इसमें ना, तो इतना कुछ खास है ये चीज़ें 16+ है फिर भी ये रेटेड। एडिटर्स चॉइस ब्रो, एडिटर्स की चॉइस है गाइस ये, और 50 million+ है कैंसलेस। ऑफलाइन है ये गाइस, अगर आप खेलना चाहते हो तो ये ऑफलाइन है, लेकिन इसे इंटरनेट एक्सेस देना ही मत, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको मत देना इसलिए, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐड आएंगी। ये मैंने लेवल 1 इसका कर दिया है कंप्लीट आपको दिखाने से पहले, इसलिए ये गेम जो है ना इतना डेंजर गेम है गाइस, आपको मैं क्या ही बताऊँ। इस गेम में सब कुछ परफेक्ट है बिल्कुल, ये गेम में होना चाहिए ना। एक ऐसा स्किल खुलता है कि ये सीधा तलवार से मारता है, लेकिन वो वाला स्किल अभी मेरे पास है नहीं गाइस, अगर होता तो मैं ज़रूर से यूज़ करता है। आप वो पता नहीं, पहले तो जब ही मिल जाता था सोल बीस्ट है, मुझे सारा पता है, बहुत खेला। अबे ये क्या चीज़ है रे, अबे भाई मुझे दे, अबे क्या लेके घूम रहा है वो भाई, गदर तो नहीं है, इतनी कुछ खास चीज़ भी नहीं है। सीधा आप कंप्लीट करते हैं बिना कुछ किए, इसलिए नहीं तो फिर इसका गेम प्ले ज़्यादा लंबा बन जाएगा। वैसे कितना ही लंबा बने गेम तो ये है एक बढ़िया, तो फिर भी वैसे इसका थोड़ा सा गेम प्ले छोटा करने के लिए इसलिए मैं जल्दी से कंप्लीट कर रहा हूँ इसे गाइस। सीधा क्रिट मारते हैं हम। तो ये गेम ख़त्म हो चुका गाइस, तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही गाइस, अब मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड
बाय।